सो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 1:41 इन द आफ्टरनून और हम लोग अभी निकलने वाले हैं मंदिर के तरफ क्योंकि हम लोगों को जाना है पूजा देने के लिए। और सो मैंने जैसे बताया था कि हम लोग लंच वगैरह करके जाएंगे, तो हम लोगों ने अभी मतलब मैं और राजा ने अभी डिसाइड किया कि अगर लंच करके नहीं जाने से बेहतर होगा कि हम लोग डायरेक्ट मंदिर पे जाएं, क्योंकि थोड़ा सा लाइक वैसे तो हम लोग उपवास में नहीं है, लाइक फुल फास्टिंग में नहीं है, लाइक सुबह से कुछ मैगी वगैरह चाय कॉफ़ी वगैरह बिस्किट वगैरह खाया। सो अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। वैसे मैं दीपेन भाई को कॉल किया था, उनसे बोला कि कैमरा वगैरह अलाउड है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि आप लोग ले सकते हो लेकिन आप कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हो। तो मेरा जो मेन कॉन्सर्न है अभी कि मैं अगर गोप्रो ले जाऊँ, इसके ऊपर लगा हुआ है मेरा माइक्रोफोन, तो अगर माइक्रोफोन जो है आई थिंक जो मंदिर वगैरह होता है फेमस मंदिर वगैरह जितना भी होता है कहीं पे भी माइक्रोफोन अलाउड नहीं होता है, तो मैं सोचो ओनली जो गोप्रो है उसे ले जाओ साथ में। और DSLR लेने का अभी कोई प्लान नहीं है, DSLR घर पे ही रख के जाते हैं। वहाँ पे कौन है, एक बिल्ली था। सो मैं एक्चुअली घर से ले आया था ये वाला, मतलब खरीद के लाया था आशीष दा के दुकान से, ये कुर्ता है एक, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है नमाबली टाइप का, और ये वाला भी लाया था, ये दोनों पंजाबी मैंने खरीदा था, तो राजा ने कुछ नहीं लाया तो उसको दे दिया, भाई तू पहन ले क्योंकि दोनों पंजाबी पहनेंगे तो एक साथ अच्छा लगेगा। और तो फिलहाल हम लोग निकलते हैं मंदिर की तरफ। सो मैंने बस अभी GoPro लेके ही निकला हूँ, लाइक उसका स्टैंड वगैरह से फिर माइक वगैरह सब कुछ छोड़ के आया रूम पे, क्योंकि उसे कैरी करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हाथ में पूजा का डाला वगैरह सब होगा। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आउटसाइड ऑफ आवर होटल, और देख सकते हो कितना स्टीव है ये वाला जो रोड है, बहुत ही स्टीव है, और हम लोगों को जाना पड़ेगा यहाँ से जो लेफ्ट साइड में हम लोगों को जाना पड़ेगा इस साइड पे ऊपर इस तरफ। सो वी बोथ आर लुकिंग लाइक दिस रेड। सो पूजा देने के लिए कुछ सामान वगैरह खरीदना होगा यहाँ से, तो देखते हैं क्या क्या लेना पड़ता है। तो यहाँ पे अंकल जो है पूजा का डाली मुझे सजा के दे रहे हैं, तो इसके अंदर है आपका एक नारियल, एक अगरबत्ती, तीन दिया और एक माँ के लिए टोटल किट होता है ना सजने वाला लड़कियों का वो वाला है, और एक जवा फूल का माला, यही होता है बेसिक सा यही होता है। और आपका जू लेना है, सुरनी माँ को देने के बड़ा लेगा ना छूटा लेगा आपका मर्जी। अच्छा अच्छा, इसमें से इसका ये आपका 250 का है, ये 100 का है। अच्छा, ये आपका 50 का है, ये वाला आपका 50 का है। 50 मतलब ये सब मिला के कितना आता है, एक एवरेज दे दीजिए मुझे। इसमें आपका 300 हुआ और पर्सा आप देगा तो अलग मालिक। अच्छा, ये टोटल हुआ है आपका 300 रुपीज़, इसमें 300 हुआ। अच्छा, लेकिन आपका पर्सा नहीं, प्रसाद अलग से लेना पड़ेगा। प्रसाद ये वाला कितना है, ये वाला आपका 60 का है, 60 70 का है, 70 ये 200 का है। अच्छा, ये 100 का है। सो डाला ले लेते हैं फिर ब्लॉक को कंटिन्यू करिए। तो पूजा का जो डाली है वो हो चुका है रेडी, और हम लोग यहाँ पे चप्पल उतार के बैरफुट जा रहे हैं। तो ये सर तो हम लोगों ने ले लिया,
पूजा का डाली ले लिया और अभी जा रहे मंदिर की तरफ। मंदिर है इस साइड। तो मंदिर का गेट खुलेगा आपका लगभग 2:30 बजे और अभी फिलहाल बज रहा है 2:05 इन द आफ्टरनून। तो अभी भी हम लोगों को मंदिर का बाहर वेट करना पड़ेगा लगभग 1/2 घंटा। सो लेट्स सी कितना टाइम खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं। मंदिर का लाइन ये वाला है क्या? मंदिर का लाइन ऊपर एटा किसे लाइन मंदिर में फाइनली एंटर कर चुके हैं। दिस इज द गेट, मतलब पहला वाला जो गेट है, फर्स्ट गेट। यहाँ पे लाइक बहुत मंदिर छोटे छोटे यज्ञ हो रहा है। तो फिलहाल टाइम हो रहे 2:13 और थोड़ा सा यहाँ पे लाइक चलते हैं कि मतलब ये लाइक दक्षिणेश्वर जैसा है ना कि मेन जो माँ काली का मंदिर होता है इसके मतलब चारों ओर और बहुत सारे मंदिर होता है। शिव जी का मंदिर होता है लाइक दक्षिणेश्वर में, तो आई थिंक 10 शिव जी का मंदिर है लाइक सीक्वेंस में होता है, तो यहाँ पे भी शायद होगा। सो मंदिर का एक रोहित से बात हुआ, उन्होंने बोला कि स्पेशल जो गेट है लाइक 500-1 रुपये दे के जो घुसते हैं वो प्रॉब्ली ओपन हो सकता है। हम लोगों को बोला कि जल्दी से जाओ, अगर ओपन होता है तो आप जल्द से जल्द पूजा दे सकते हो। सो फिलहाल हम लोग उसी साइड पे जा रहे हैं। I don't know actually क्या ऑडियो कैसा आ रहा है क्योंकि विदाउट माइक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे गला भी ख़राब है, इसलिए जोर से बोल नहीं सकता। तो एक पंडित जी है उनके साथ हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे पुण्यार्थी भी हैं हम लोगों के साथ, सब मिलकर हम लोग जा रहे हैं। तो मंदिर के अंदर जाएंगे, वैसे कि मंदिर के अंदर जो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो हम लोग तो लाइन वही पे थे। किस साइड से? किस तरह? वो जो दूर से जितने भी लोग हैं ना, दूर से यहाँ तक सब लोग एक्चुअली लाइन पे खड़े हुए हैं, तो हम लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा। कोई ना, माँ की दर्शन के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। अभी भी चल रहे हैं यहाँ पे, मतलब एकदम यू टर्न लेके हम लोगों को घूम के आना पड़ा। ये क्या शॉर्टकट है या और कुछ, आई डोंट नो। सो फिलहाल चलते, दिस इज द रोड। और
सामने एक्चुअली कुछ दूसरा बिल्डिंग वगैरह दिख रहा है कुछ आउटसाइड का। तो फिलहाल मैं लाइन पे खड़ा था, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखा कि ये जो रोड जा रहा है ना ऊपर की तरफ, तो पीछे जो लोग आ रहे हैं ये लोग अपने सर पे कपड़ा बांध के बालू वगैरह सब लेके जा रहे हैं। तो बहुत ही टफ जॉब आप बोल सकते हो, तीन लोगों के पीठ पीछे मतलब पीठ पे जो एक रस्सी टाइप का दिख रहा है ना, तो रस्सी से ये लोग बालू अपने सर पे बांध के पहाड़ के ऊपर लेके जा रहे हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं बिल्डिंग वगैरह सब कुछ। तो फिलहाल आ गए लाइन पे फिर से। सो फिलहाल हम लोग हैं अभी लाइन पे, तीनों वेट कर रहे हैं यहाँ पे। लाइक बहुत बड़ा क्यू है, तो क्यू के अंदर लाइक यहाँ पे फिलहाल लाइक हमें जैसा लग रहा है कि 4 to 5 hours तो लग ही जाएंगे, क्योंकि स्पेशल लाइन के बहाने हम लोगों को ले आया गया यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, हम लोग तक तब से खड़े हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी, जैसे मैंने बोला कि माता के दर्शन के लिए आए तो करके तो जाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग मंदिर का जो मेन गेट है उसके सामने आ गए हैं। मैं शॉर्ट टाइम के लिए एक म्यूज़ियम में आया हूँ, जहाँ पे बलि देने वाला सब जो अस्त्र है सब रखा हुआ है। सो सब दाव वगैरह जो है ना सब, ये सब प्रदीप है, देखो प्रदीप है सब, हर मतलब हर कोने में दाव रखा हुआ है, ये सब बड़ा बड़ा घंटा वगैरह सब कुछ है। सो और आगे एक त्रिशूल भी है। सो इट वॉज क्वाइट नाइस। जो दिखता है ना कि रस्सी से अटका दिया गया और से सब लोग कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन टाइम पीरियड के अंदर कुछ लोग भीड़ जो है खाली हो रहा है, फिर कुछ 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 लोगों को छोड़ रहा है। तो फिलहाल हम लोग अभी वेटिंग लिस्ट में हैं। सो राइट नाउ द टाइम इज 5:10 इन द आफ्टरनून, और इतना वक्त से बस हम लोग अंदर तक गए, मतलब अंदर एकदम अंदर नहीं, मतलब दो तीन यहाँ पे क्या है ना कि दो तीन आपका ऐसा पार्ट पार्ट किया हुआ है। तो हम लोग एक जगह पे बैठे थे और लगभग 40 मिनट्स तक, तो वहाँ से अभी हम लोगों को कहीं और पे बिठाया गया, और वहाँ पे जो लोग है गार्ड से वो बोल रहे कि आपको लाइक 7 बजे तक हम लोगों का हो जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी थोड़ा सा एक टोकन लेके बाहर आया हूँ, क्योंकि मुझे लगा है थोड़ा सा प्यास, तो पानी वगैरह पीना है, अंदर भी था लेकिन मुझे एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना है, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा बाहर आ गया। और अंदर जाते वक्त मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मेरे पास टोकन है, तो मैं टोकन दिखा के एकदम जहाँ पे था वहाँ पे चला जा सकता।
तो यहाँ पे कुछ बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैंने क्या किया, मैं ना यहाँ से जा रहा था रोड से, तो मैंने देखा तो अचानक से मुझे लगा कि एक कुछ शॉट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो व्यू है ना बहुत ही बढ़िया आ रहा था। सो दिस इज़ द व्यू। तो मैंने एक ले लिया टाइम लैप्स, तो आप लोग देख सको कि कितना अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल चलते हैं, एंटर करते हैं मंदिर के अंदर। सो राइट नाउ द टाइम इज 7:14 इन द इवनिंग, और हम लोग अभी भी है लाइन पे, लाइक दोपहर का 2 बजे से लाइन पे लगे थे। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ माँ का मंदिर कौन सा है। सो दिस इज द टेंपल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो जो गार्ड है यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि अभी भी 2 घंटे लगेंगे। ये जो आगे देख पा रहे हो कि अभी भी लाइन कितना है, वो दूर वाला जो लाइन है वो है एक्चुअल लाइन, मतलब वो एकदम स्ट्रेट जाएगा, फिर ये लोग मंदिर पे एंट्री कर रहे हैं इस साइड पे। तो फिलहाल सीन कुछ ऐसा है, सुलेट से क्या होता है। वैसे आप लोग अगर वीकेंड पे आते हो, लाइक संडे सैटरडे को, तो आप कम से कम 10 घंटे हाथ पे लेके ही आना, क्योंकि आपको यहाँ से टोटल प्रोसेसिंग जो है करने में 8 to 10 hours लग ही जाएंगे। सो फिलहाल टाइम है 7:42 और प्रोबेबली हम लोग अभी मेन जो मंदिर है वहाँ पे पहुँचेंगे। सो ये जो लेफ्ट में लाइन देख रहे हो ना, ये मंदिर की तरफ जा रहा है। रिकॉर्डिंग प्रॉब्ली बंद होने वाला है क्योंकि इसके आगे परमिशन नहीं होगा। सो जितना हो सके मैं दिखा दूंगा।
सो गाइज, तो फाइनली हम लोगों का जो पूजा है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं एक्चुअली वो जो आपका मंदिर है जो कामाख्या माँ की, तो उसके अंदर जाके मैं मतलब एक फील होता है ना कई जब कई होली प्लेस में आते हो। सो हियर इज द टेम्पल एक्चुअली, ठीक है। सो फिलहाल हम लोग मंदिर से बाहर जा रहे हैं, एक अलग ही एक्सपीरियंस बोल सकते हो। लाइक तो जब किसी होली प्लेस में आप जाते हो, आप मतलब इंटरनली फील कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट वाइब्स है। तो ऐसा ही मुझे कुछ फील हुआ कि मंदिर के अंदर जाके कि कुछ तो है, वरना इतने लोग क्यों आते हैं। तो मैं जो वहाँ पे गया तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब आई डोंट नो करना चाहिए या नहीं, तो आई थिंक आके ही देखना चाहिए, क्योंकि मैं बोलूँगा उससे आपको मतलब एक स्टोरी की तरह बोलूँगा लेकिन आपको फील नहीं आएगा। तो आप अगर उसका फील लेना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू फील द पावर ऑफ माँ कामाख्या, तो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए यह मंदिर। सो चलते हैं, कुछ खाना है, अभी भूख लगा है, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो अभी हम लोग कर रहे हैं डिनर, और मैंने ऑर्डर किया रोटी, और मदनदा और राजा ने किया है राइस थाली। तो दोनों खा रहे हैं मस्त, मैं भी रोटी खाऊंगा खा के लाइक घर में चला जाऊंगा, तबीयत बहुत बिगड़ चुका है। दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, सी यू टुमॉरो। जय माँ।